समझ में आया क्या? तो अनपेड सेलर का मतलब क्या है? जिसको पैसा नहीं मिला है, पैसा ड्यू हो चुका था लेकिन जिसको पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 हम किसको अनपेड सेलर बोलते हैं? द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, पूरा का पूरा पैसा अभी तक नहीं मिला है या मिलने की ऑफर भी नहीं मिली है ना। द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर, और सेलर को क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। सेलर को क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। होल ऑफ द प्राइस मिली है क्या? नहीं मिली। टेंडर हुई है क्या? नहीं। और सेलर के पास हाथोहाथ क्या है? तो वो कौन है? अनपेड सेलर है। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला है, सेलर को क्या मिला है? या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट एज अ व्हाट? कंडीशनल पेमेंट। क्यों मिला है वो? एज अ कंडीशनल पेमेंट, ठीक है। एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड, और जिस कंडीशन पे वो मिला था वो कंडीशन क्या नहीं हो पाई? फुलफिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? रीजन डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब सेलर को या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला या तो कोई इंस्ट्रूमेंट मिला जैसे कि चेक वगैरह कुछ मिला, और वो क्यों मिलता है? कंडीशन है कि भाई इस टाइम पे आपको ये पेमेंट हो जाएगा। कंडीशनल पेमेंट था, वो मिल जाएगा आपको पेमेंट। अब वो कंडीशन क्या नहीं हो रही? फुलफिल नहीं हो रही। क्या रीजन है उसका ना फुलफिल होने का? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है? डिसऑनर। और जब वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर जो हो चुका है तो सेलर हमारा क्या बन चुका है? अनपेड सेलर। तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि जो सेलर है वो अनपेड है या नहीं, क्योंकि अगर अनपेड है तो राइट है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अगर वो अनपेड नहीं है तो उसको कोई राइट नहीं है। जब पैसा मिल ही चुका है या जब पैसा ड्यू ही नहीं हुआ है तो तू अनपेड नहीं है, या तो पैसा मिल चुका है या अभी तक पैसा ड्यू ही नहीं हुआ है तो सेलर अनपेड नहीं है। अगर देखो गुड्स क्रेडिट पे देता है, सेलर गुड्स किस पे दे रहा है, तो मतलब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड ही नहीं हुआ है तो सेलर अनपेड है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखना है कि सेलर को क्या होना चाहिए? पहले तो अनपेड, तब उसको राइट एक्सरसाइज कर पाएगा क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन सेलर को क्या होना उसके लिए? अनपेड। चलिए आगे चले। अगर सेलर हमारा अनपेड है तो सेक्शन 46 सेलर को राइट दे रहा है, भले ही ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। 46 किसको राइट दे रहा है? अनपेड सेलर को। भले ही ओनरशिप प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो चुकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंप्लीकेशन बाय लॉ से सेलर अपने राइट यूज कर सकता है ना। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सॉरी नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स मे बी पास टू द बायर द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये लाइन देखो चिपकाने के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स एंड एनी ऑफ एनी ना एंड ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स। ये लाइन अच्छी है चिपकाने के लिए, बहुत जगह चिपकाने को काम आएगी, याद ही कर लो। आगे देखिए, सबसे पहला राइट है आपको लीन, किस पे? गुड्स पे। मतलब गुड्स पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन पहली कंडीशन है गुड्स को कब्जा करने के लिए अनपेड तो होना ही है, क्योंकि हम पढ़ी किसके राइट्स रहे? अनपेड, तो वो तो होना ही है। लीन ऑन द गुड्स, लेकिन वो सेलर के पोजेशन में होनी चाहिए। अगर आपको लीन एक्सरसाइज करना है गुड्स पे, कौन सा अधिकार? लीन, कब्जा, तो वो गुड्स किसके पोजेशन में होने चाहिए? सेलर। अगर बायर के पोजेशन में वो गुड्स पहुंच चुके और वो गुड्स का ओनर कौन है? ऑलरेडी बायर ही है, तो आप पूरी दुनिया की कोई भी ताकत बायर को उसके गुड्स से अलग नहीं कर पाएगी। अनपेड सेलर को राइट दिए गए, लेकिन उसके लिए अनपेड सेलर के पास क्या चाहिए? पोजेशन चाहिए, अगर लीन को एक्सरसाइज करना है तो। चलिए, लीन तो नहीं कर पाओ, अब दूसरा राइट आता है। अगर बायर क्या बन जाता है? इंसॉल्वेंट। बायर क्या बन चुका है? इंसॉल्वेंट। और गुड्स किधर है? रस्ते में मैं निकला ओ गड्डी लेके, सनीपा जी लेके जा रहे गाड़ी में माल, धीरे 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 लेके जा रहे हैं, और तब तक हमारे को पता चल गया बायर क्या बन चुका है। हाथों हाथ हम क्या करने की इच्छा रखते हैं? कम्युनिकेट करने की इच्छा रखते हैं। किससे कम्युनिकेट करेंगे? हमारे कैरियर वाले से, ट्रांसपोर्ट वाले से, सनीपा जी से। सनीपा जी, बायर क्या बन चुका है? इंसॉल्वेंट, और बायर ने मेरा पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो मैं बन चुका हूं अनपेड सेलर। तो कृपा करीनू, अपना राइट है 46 के अंदर
सेलर को राइट है 46 के अंदर अनपेड सेलर को कि वो क्या कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब वो डिलीवरी रोक देगा। डिलीवरी क्या कर देगा, कौन से गुड्स की, जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसको बोलेगा या तो वापस घुमा के इधर लेके आ, है ना। तो हम सीधा सीधा सन्नीपा जी को बोलेंगे हमारा राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि बायर बन चुका है इंसॉल्वेंट और गुड्स अभी भी रस्ते में ही आपके पास है, तो कृपा करें वापस पीछे लेके आओ या जो मैं बोलूं वो करना, अभी रुक जाओ। तो ये और एक राइट यूज कर लोगे आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कब, अनपेड तो होना जरूरी है आपको, बायर को क्या बनना है इसमें, इंसॉल्वेंट, और गुड्स कहां पे होने चाहिए, रस्ते में इन ट्रांजिट, किधर होने चाहिए। चलिए अब आपने गुड्स पे कब्जा कर लिया, आपने गुड्स पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला अधिकार कर लिया और गुड्स को वापस अपने पास ले लिया, फिर उसको रख के मंदिर में पूजा उतारनी है क्या, नहीं। तो अनपेड सेलर को अधिकार देना होगा दी सेल का। अनपेड सेलर को कौन सा अधिकार देना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो जो यूज राइट करने का कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आप SIT है, लीन है और रीसेल का अधिकार ही नहीं है, किसके पास, अनपेड सेलर के पास, तो वो गुड्स की क्या पूजा उतारेगा, गुड्स से खराब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, तो आपको उसको रीसेल का राइट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो लीन पढ़ने वाले हैं वो 47 से लेके 49, SIT पढ़ने वाले हैं 50 से लेके 53, और ये पढ़ने वाले हैं 54 में। अनपेड सेलर के राइट्स है किसके अगेंस्ट है, दो चीजों के अगेंस्ट है, एक तो बायर और अगेंस्ट गुड्स। अनपेड सेलर के जो राइट्स है वो दो चीजों के ऊपर होते हैं, एक तो गुड्स के अगेंस्ट, एक बायर के अगेंस्ट। तो अभी हम 54 तक जो पढ़ने वाले हैं वो किसके अगेंस्ट है, गुड्स। 55 के बाद वाले किसके अगेंस्ट है, बायर। तो क्वेश्चन पढ़ो वो किसके अगेंस्ट बोल रहा है, क्या बायर के अगेंस्ट बोल रहा है या गुड्स के अगेंस्ट बोल रहा है, बायर के अगेंस्ट बोल रहा है या गुड्स के अगेंस्ट। लिखा है देखो, अगेंस्ट गुड व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट हैज बीन पास्ड टू बायर, व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू बायर। अब प्रॉपर्टी पास ही नहीं हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी ओनर कौन है हमारा, एक तरह से सेलर ही है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। आइए, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड, सेलर्स लीन, वापस देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, लीन के लिए सेलर के पास क्या चाहिए, पजेशन चाहिए। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पजेशन ऑफ गुड्स, जिसके पास क्या, अनपेड तो है और उसके पास गुड्स की क्या पड़ी है, पजेशन, मतलब गुड्स किसके पास पड़े हैं, वो सेलर के पास। क्या इज एंटाइटल, उसको अधिकार है एंटाइटल रिटेन टू पजेशन ऑफ देम, और रिटेन कर सकता है कौन, अनपेड सेलर, क्योंकि उसके पास क्या पड़ी है, पजेशन पड़ी है, तो वो गुड्स पे क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है और अपने पास ही रखेगा, और कब तक अपने पास रखेगा, जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता, एंड रिटेन देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, चलिए आप अनपेड सेलर हो, इसके लिए आपको क्या है, देखिए एक तो गुड्स जो आपने दिए है वो क्रेडिट पे दिए क्या, नहीं, अगर क्रेडिट पे दिए तो आप क्या हो, अनपेड हो क्या, नहीं है। चलिए, गुड्स क्रेडिट पे भी है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, गुड्स क्रेडिट पे थे और वो क्रेडिट पीरियड क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड, तो फिर हम अनपेड है या नहीं है, है, एंड बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो हम 100% हम क्या है, अनपेड है। क्यों है अनपेड, क्योंकि अब वो पैसा देने की लायकी में नहीं है, कौन, बायर, तो अब हम कौन है, अनपेड है, सेलर कौन है, अनपेड है। तो देखिए, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, आपने जो गुड्स बेचे वो बिना क्रेडिट के बेचे, व्हेन गुड्स आर, व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स किस पे बेचे गए हैं, बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, क्रेडिट का टर्म क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड, और बायर क्या बन चुका है, इंसॉल्वेंट, बायर क्या बन चुका है, इंसॉल्वेंट। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, कब अनपेड सेलर अपना अधिकार यूज कर पाएगा, कौन सा, लीन का, वो भी कब यूज कर पाएगा, है ना, व्हाइल ही इज इन पजेशन ऑफ देम, तो क्या कर सकता है, वो रिटेन कर सकता है, क्या कर सकता है, उस गुड्स को, और कब तक, अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस, कोई दिक्कत। चलिए, ओनरशिप किसके पास जा चुकी है इन गुड्स की,
बायर के पास, किसके पास जा चुकी है, और गुड्स किसके पास पड़े हैं, सेलर। ये दो ही कारण के कारण होंगे, एक तो एज अ एजेंट और एज अ बेली। किसके एजेंट और किसके बेली है, बायर के, तो फिर तो गुड्स बेचना नहीं चाहिए इनको, है ना, क्योंकि बेली को सिर्फ ध्यान रखना होता है, एजेंट को भी जब तक सेलर की अथॉरिटी नहीं है बेचना नहीं चाहिए, मतलब ओनर की अथॉरिटी नहीं है तब तक बेचना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा सेलर क्या है, अनपेड है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास गुड्स एज अ एजेंट पड़े क्या एज अ बेली, सबसे उसको स्पेशल राइट दिया वगैरह, तो अनपेड है ना, अब तो कुछ मत सोच, भलाई तू बेली है तो ठीक, एजेंट है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, क्योंकि तू अनपेड है तो गुड्स को बेच, मतलब गुड्स को अपने पास रख सकता है, गुड्स के कब्जा कर सकता है। लिखा है देखो, द सेलर में एक्साइज इज राइट ऑफ लीड, सेलर क्या कर सकता है, एक्साइज कर सकता है, कौन सा राइट, लीड, किससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स, उसके पास पोजेशन पड़ी है, कैसे, एजेंट और बेली ऑफ द गुड्स, कैसे पड़ी है उसके पास पोजेशन, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे, नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, अनपेड है, बस, तो अनपेड है तो उसको स्पेशल राइट है, वो अनपेड सेलर वाला राइट यूज कर सकता है और गुड्स पे लीन एक्साइज कर सकता है। क्लियर हुआ 47 का सबसेक्शन 1 और 2, सबसेक्शन 1 और 2 बता रहा है कि कैसे राइट यूज कर सकता है, और 2 बता रहा है भले ही एज अ गुड्स आपके पास एजेंट पड़े हो एज अ बेली पड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 48 बोलता है पार्ट डिलीवरी, व्हेन एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या कर चुका है वो, हाँ 10-20 डिलीवरी देनी थी टोटल, 10 दे चुका है और 10 अभी भी पड़े, तो आप इस पे लीन एक्साइज कर सकते हो, जो आपके पास पड़े उस पे आप लीन एक्साइज कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसे बताया अपने कंडक्ट से कि जो पार्ट डिलीवरी दी थी उसी समय आपने बताया कि आपके पास लीन नहीं है, तो फिर आप ये बचे हुए पे भी लीन एक्साइज नहीं कर पाओगे। लिखा है देखो, Unless such part delivery has been made under such circumstance as to show an agreement to waive the lien. जब आपने part delivery दी तब आपने क्या दिखाया, circumstance कैसा show किया आपने, agreement to waive the lien. आपने जब part delivery थी आपने क्या दिखाया, क्या show किया, agreement to waive the lien. फिर आप बचे हुए पे भी lien exercise नहीं कर पाओगे अगर आपने ऐसा कुछ show किया है। सिंपल, व्हेन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स ही मे एक्साइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर, तो ये जो रिमाइंडर बचे इस पे आप एक्साइज कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे क्या, नहीं रिमाइंडर पे कर पाएंगे, कर पाएंगे। आपने पार्ट डिलीवरी दे दी है तो किस पे एक्साइज कर पाओगे आप, रिमाइंडर पे, किस पे एक्साइज कर पाओगे, हाँ। लेकिन जब आपने पार्ट डिलीवरी दी और आपने क्या शो किया, एग्रीमेंट टू वेव द लीन, मतलब आपने अपना अधिकार छोड़ा, फिर आप बचे हुए रिमाइंडर पे भी लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। 48 क्लियर। चलिए 49, टर्मिनेशन ऑफ लीन, भले ही आप अनपेड सेलर हो लेकिन आप लीन चाह के भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, कब, क्योंकि लीन के लिए क्या चाहिए, पजेशन चाहिए। अब आपके पास अगर पजेशन ही नहीं है तो आप कर पाओगे नहीं, तो जैसे ही आपसे पोजेशन चली गई, किसके पास चली गई, कैरियर और अदर बेली, व्हेन ही डिलीवर गुड्स टू हूम, कैरियर और अदर बेली, फॉर द व्हाट पर्पस, किसको, बायर, और आपने अपना 25 सेक्शन 25 राइट टू रिजर्व वाला राइट आपने रिजर्व किया है क्या अपना, नहीं। 25 क्या बोलता है, रिजर्व करना, क्या रिजर्व करते हो, राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब क्या, अगर बायर ने आपकी कंडीशन पूरी नहीं की तो उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, भले ही प्रॉपर्टी उसके पास जा चुकी है, उससे कोई, सॉरी, गुड्स की पोजीशन उसके पास जा चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉपर्टी या ओनरशिप कब जाने वाली थी उसके पास, वो कंडीशन पूरा, हाँ। तो यहाँ पे देखो, आपने गुड्स दे दिए, किसको दे दिए, कैरियर या बेली, किस पर्पज से दिए आपने उसको, हाँ, और आपने अपना राइट 25 वाला सेक्शन यूज किया है क्या, आपने रिजर्व किया है क्या राइट डिस्पोजल ऑफ गुड्स, नहीं आपने रिजर्व नहीं किया है, तो फिर आपके पास कोई अधिकार उस गुड्स पे नहीं है। अगर आप रिजर्व कर लेते तब तो आपको ये 49 में भी 46 47 में आने की जरूरत थी नहीं, उधर ही आपने कंडीशन डाल दी थी, फर्क नहीं पड़ता। 25 में आपने क्या कंडीशन डाल दी थी,
भले ही ओनरशिप सॉरी प्रॉपर्टी सॉरी पजेशन ट्रांसफर हो चुकी है, क्या ट्रांसफर हो चुकी है किसके पास, बायर या कैरियर या फिर उसके एजेंट के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता कौन, बायर, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो बात ही खत्म, फिर तो आप 25 का अधिकार यूज करोगे, लेकिन यहां पे आपने उसको ट्रांसफर कर दिया और आपने सेक्शन 25 को भी यूज नहीं किया है, तो आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। क्यों? लीन के लिए आपके पास क्या चाहिए, कब पजेशन चाहिए, तो यहाँ पे गुड्स की पजेशन किसके पास है, कैरियर आ डेली के पास। चलिए, फिर बायर या उसके एजेंट ने पजेशन ले ली, किसने ले ली, बायर या उसके एजेंट ने, किसने ले ली वो पजेशन। अब क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायर सेलर के पास क्या नहीं है, पजेशन नहीं है, और सेलर बहुत बड़ा दयावाद है, उसने बताया, उसने वेव कर दिया अपना राइट कि भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिलना है, तो जब वो अनपेड ही नहीं है तो लीन का सवाल ही नहीं है, वो बहुत दयावान है, उसने वेव कर दिया अपना अधिकार। क्लियर? डिक्री मिली है, किसको डिक्री मिली है, सेलर को, तो क्या पैसा मिल गया, नहीं। अगला देखो, वही लिखा है, आपके पास लीन अधिकार था क्योंकि आप क्या थे, अनपेड थे, तो आपको क्या था, लीन था, लीन था, क्या था आपके पास, क्योंकि आप क्या थे, तो क्या आपका लीन लूज हो जाएगा क्या, सिर्फ डिक्री आ गई है कोर्ट से, नो, डज नॉट लूजेस हिज लीन, ओनली रीजन दैट ही हैज ऑब्टेन डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। सिर्फ कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सेलर को पैसा मिलना चाहिए, पैसा अभी तक मिला नहीं, इसके लिए आप अपना राइट लूज नहीं करते हो, कौन सा वाला, लीन वाला। ये पॉइंट बोल रहा है कि लीन टर्मिनेट नहीं होता, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 49 का 1 बोलता है कि लीन टर्मिनेट कब होता है, और 2 क्या बोल रहा है, लीन टर्मिनेट नहीं हुआ कब, अनपेड सेलर के पास कौन सा अधिकार है, लीन का है या नहीं है, है, तो वो अपना लीन लूज नहीं करता, डज नॉट लूज हिज लीन, डज नॉट लूज हिज लीन बाय द रीजन ओनली दैट ही ऑब्टेन डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड। कोर्ट ने डिसीजन दिया, डिक्री दी कि भाई अनपेड सेलर को पैसा मिलना चाहिए, तो अब तक पैसा नहीं मिला है, तो सिर्फ डिक्री आने से आप अपना अधिकार नहीं खो देते, पैसा मिलने के बाद विषय खत्म, पैसा मिल गया बात खत्म, मेरे को तो वैसे भी क्या चाहिए था पैसा, तो डिक्री आने से आप अपना अधिकार नहीं खोते। अगर आपके पास लीन है तो अभी भी है, डिक्री आ गई हो भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आपके पास लीन था अभी भी आपके पास लीन है, डिक्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? 45 में क्या बात बोली है, अनपेड कौन है, फिर 6 बोलता है अगर अनपेड है तो सेलर को क्या अधिकार है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं राइट अगेंस्ट गुड्स किसके, सेलर के, अगर सेलर क्या है, अनपेड, तो 46 में एक सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि कब आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। 2 क्या बोल रहा है, चाहे आप बेली हो चाहे आप एजेंट हो, किसके, बायर के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है, लीन है। फिर 48 किसका है, पार्ट डिलीवरी का, और 49 किसका है, 1 टर्मिनेशन ऑफ लीन, और 49(2) किसका है, लीन टर्मिनेट नहीं होता, 49(2) में क्या बोल रहा है, लीन टर्मिनेट नहीं होता। चले आगे, उधर देखिए टर्मिनेशन ऑफ लीन में ये फोर्थ पॉइंट नहीं है, इधर एक फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, स्टोपल। स्टोपल मतलब सेलर ने प्रिटेंड किया अपने कंडक्ट से कि वो अनपेड सेलर नहीं है, द सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ, और उसने बिलीव करवाया किसको, लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट। सेलर ने अपने कंडक्ट से क्या दिखाया, थर्ड पार्टी को क्या बिलीव करवाया उसने कि लीन डज नॉट एक्सिस्ट, तो लीन है ही नहीं, मतलब आपने अपना राइट टर्मिनेट कर दिया। तो लिखा है देखो, वेयर सेलर सो कंडक्ट, वेयर द सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ दैट लीड्स थर्ड पार्टी, लीड्स थर्ड पार्टी टू बिलीव, क्या बिलीव करवा रहे हो आप थर्ड पार्टी को, कि लीन एक्साइज नहीं होता, लीन एग्जिस्ट नहीं होता, तो स्टोपल वाला क्या है, ये स्टोपल। तो ये 4 पॉइंट है जहां लीन टर्मिनेट हो गया, जहां 4 पॉइंट है जहां लीन टर्मिनेट। आइए, अनपेड सेलर का गुड्स पे दूसरा राइट देखिए, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट कब यूज करते हैं, देखिए
सबसे पहले कब कंडीशन आप एक्सरसाइज कर सकते हो एसआईटी, सेलर को क्या होना चाहिए, पहले तो अनपेड होना चाहिए। सेलर ने क्या पार्ट कर दिए, पोजेशन, पोजेशन किसके पास है, कैरियर या बेली वालों के पास है ना, ट्रांसपोर्टर के पास है। अनपेड है हमारा सेलर, क्या है अनपेड है सेलर, क्या हमारा अनपेड है। पार्टेड विथ वॉट, पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स किधर है, ट्रांजिट में है, बाहर क्या बन चुका है, इंसॉल्वेंट बन चुका है। तो ये चीजें हैं, अनपेड होना जरूरी है, पार्टेड विद द पोजेशन, रस्ते में होने चाहिए गुड्स, किधर होने चाहिए, रस्ते में, और हमारा बायर क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट, तभी आप अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर पाओ। आगे देखिए, हमारा सेलर है अनपेड, गुड्स रस्ते में है और बायर अभी तक इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो क्या आप अपना राइट यूज कर पाओगे, नहीं, क्योंकि बायर को क्या होना जरूरी है, अनपेड, इंसॉल्वेंट, तभी आप अपना राइट यूज कर पाओगे, कौन सा वाला, स्टॉपेज इन ट्रांसिट। अगर गुड्स आपके पोजीशन में पड़े तो लीन एक्सरसाइज करोगे, रस्ते में है तो स्टॉपेज इन ट्रांसिट। देखो, लीन में बायर को इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, हो गया तो अच्छा ही है, वो भी अनपेड ही है, लेकिन सिर्फ यहां पे बोला है बायर को इंसॉल्वेंट होना जरूरी है, वहां पे बायर को इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं था। क्लियर हुआ? तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है सेक्शन 50, एंड सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड, गुड्स की पोजीशन क्या हो चुकी है, पार्टेड, गुड्स कहां पे है, ट्रांजिट में है, और हमारा बायर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखो, सिक्स, बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स टू गुड्स ऑफ ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई, ए कंजाइन एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी, ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस एंड लेफ्ट देयर, बी रिफ्यूजेस टू टेक दीज गुड्स एंड स्टॉप पेमेंट, द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड अनपेड सेलर कैन टेक दैम बैक। अगर बायर रिफ्यूज करता है डिलीवरी लेने से, तो हमारा अनपेड सेलर को अभी भी अधिकार है, कौन सा वाला, SIT, stoppage in transit, वो and नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं वो उस एग्जाम्पल में, SIT and नहीं हो रहा, अगर कौन रिफ्यूज करता है, बायर, और थोड़ी देर में बायर बन गया इंसॉल्वेंट, तो हमारे पास SIT है या नहीं है, है, क्योंकि SIT and नहीं हुआ है, क्योंकि किसने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, हाँ। अब भले सेलर ने भी वापस लेने से मना कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले सेलर ने भी वापस लेने से मना कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बायर ने मना कर दिया है तो एसआईटी अभी भी आपके पास है। अब भले सेलर ने भी वापस लेने से मना कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कब तक उस गुड्स को रस्ते में माना जाता है, कब तक उस गुड्स को रस्ते में माना जाता है, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू कैरियर और अदर बेली, कब माना जाता है उनको रस्ते में ही, इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, कब तक है वो, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, हाँ, अंटिल बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ टेक्स डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम सच कैरियर और अदर बेली। आपने गुड्स किसको दे दिया, हमारे सिंपल भाई ट्रांसपोर्टर को, सनी पाजी को, किसके पास पड़े गुड्स, सनी पाजी के पास, तब तक हमारा ट्रांजिट चालू है, जब अगर डिलीवरी ले ली किसने, बायर ने या फिर उसके एजेंट ने, किससे, हमारे सनी पाजी से, मतलब कैरियर और अदर बिल्ली, फिर हमारा एसआईटी खत्म। अब बायर ने गुड्स ले लिया या उसके एजेंट ने ले लिए और थोड़ी देर में बायर इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं कर सकता कौन, अनपेड सेलर, क्योंकि लीन तो है ही नहीं, क्योंकि गुड्स उसके कब्जे में नहीं है, और एसआईटी भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी किसके पास पहुंच चुकी है, बायर या उसके एजेंट के पास। तो एसआईटी के लिए तो गुड्स कहां पे चाहिए, इन ट्रांसिट, हमने क्या पढ़ा, गुड्स कहां पे चाहिए, इन ट्रांसिट। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, ए ऑफ मुंबई सोल्ड सर्टन गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली, ही डिलीवर्ड गुड्स टू सी अ कॉमन कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज गुड्स टू बी, किसको अपॉइंट किया आपने, कैरियर वाला सी, किसको गुड्स देने के लिए, बी को, बिफोर द गुड्स रीच हिम बी बिकम्स एंड ए कम्स टू नो अबाउट इट,
They can stop the goods in transit by giving notice. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला आप हाथों हाथ क्या तैयारी करोगे, सनीपा जी से कॉन्टेक्ट करना। अगर आपने सनीपा जी से टाइम पे कॉन्टेक्ट नहीं किया और सनीपा जी ने बायर को गुड्स दे दिए, फिर आप अपना SIT यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए जैसे ही आपको पता चले हाथों हाथ सनीपा जी तक न्यूज पहुंचा, हाथों हाथ आपको सनीपा जी तक न्यूज पहुंचा। क्लियर हुआ? अब देखिए, when does the transit comes to an end? क्वेश्चन है कि भाई कब तक आपके पास ट्रांजिट है, कब तक आपके पास ट्रांजिट है? When buyer or other bailee obtains delivery of goods, buyer या bailee ने क्या obtain कर लिया, उसके delivery, तो अब वो goods किसके हो गए, buyer की। SIT है क्या? नहीं। दूसरा, buyer obtains delivery before the arrival of goods at earlier destination than appointed, मतलब क्या, गुड्स आने थे इचलकरंज लेकिन बायर ने डिलीवरी कहां ले ली, कोल्हापुर में। तो जैसे ही उसने बायर ने डिलीवरी कोल्हापुर में ले ली, SIT क्या हो गया, एंड। SIT क्या हो गया, एंड। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन बाय द बायर विच कैन बी विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ कैरियर, हो सकता है ये विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ कैरियर भी हो सकता है। क्या कर लिया इधर हमारे बायर ने, गुड्स को कहां पे ले लिया, डेस्टिनेशन अर्लियर, जो डेस्टिनेशन अपॉइंट हुआ था उसके पहले ही उसने क्या ले लिया, गुड्स की डिलीवरी ले ली, तो SIT क्या हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट बोलना है मेरे को आपको, डिलीवरी आनी थी कोल्हापुर, किधर आनी थी, कोल्हापुर पे हमारा सनीपा जी आया, सनीपा जी ने फोन किया, बायर मैं तेरा गुड्स लेकर आ गो, क्या बोला उसने अपने बायर को, मैं तेरा गुड्स लेकर आ गया। हाँ, तो अब सनीपा जी के पास गुड्स किसके बिहाफ पे पड़े, बायर, और बायर ने सनीपा जी को रिक्वेस्ट किया, एक काम करना सनीपा जी, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, तो वो गुड्स इचलकरंजी लेके आया, कोल्हापुर से 30 किलोमीटर है। तो सनीपा जी बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इचलकरंजी को निकल चला रस्ते में, और इचलकरंजी को आते आते उधर एक कबनूर बोल के है, कबनूर में पता चला सेलर को, मतलब सनीपा जी तो कबनूर में, और सेलर को क्या पता चल चुका है कि बायर क्या बन चुका है, इंसॉल्वेंट। तो मेरे को बताइए ना, क्या सेलर अपना राइट यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, देखिए यहाँ पे ही आपका SIT खत्म हो चुका है, भले ही बायर ने रिक्वेस्ट की फॉर फर्दर डिलीवरी, SIT कम्स टू एंड, एंड इवन बायर ने रिक्वेस्ट की फर्दर डिलीवरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इधर आप इसके कोल्हापुर के बाद से आप अपना SIT यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? चलिए, कैरियर और बेली ने एक्नोलेज किया, किसको एक्नोलेज किया, बायर को या उसके एजेंट को, That he hold the goods as soon as goods are loaded on the ship. इसको acknowledge किया buyer को। तो जैसे ही आपने buyer को acknowledge कर दिया, उसके agent को acknowledge कर दिया कि आप goods hold कर रहे हो, तो SIT seller का खत्म हो जाता है, क्योंकि आप किसके behalf पे hold कर रहे हो, buyer या उसके agent। हाँ, लेकिन अगर seller ने अपना section 25 वाला अधिकार use किया है, तब तक तो बायर को ओनरशिप मिलेगी ही नहीं जब तक वो कंडीशन 25 वाली पूरी नहीं करता। लिखा है देखो, अनलेस सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो कैरियर या बेली ने किसको एक्नोलेज किया, बायर या उसको एजेंट को, क्या एक्नोलेज किया, होल्ड द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, अनलेस सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। चलिए, सनीपा जी ने गुस्से में मना कर दिया गुड्स को देने के लिए, सनीपा जी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं बायर को डिलीवरी नहीं दूंगा या उसके एजेंट को डिलीवरी नहीं दूंगा। जैसे हमारे कैरियर वाले ने ऐसे मस्ती की, सनीपा जी ने ये मस्ती की, SIT कम्स टू एन एंड। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स टू द बायर, कैरियर वाले ने जानबूझ के मस्ती किया कि मैं गुड्स नहीं दूंगा, किसको, SIT चालू या बंद, चालू नहीं बंद। आगे, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर हायर बाय द बायर, किसका है वो बायर, कैरियर वाला बायर का है, तो वो किसकी सुनेगा, तो जैसे आपने उसको दे दिए गुड्स कैरियर वाले को, वो आपकी सुनेगा क्या, तो आपका SIT क्या, खत्म।
ट्रांजिट कम्स टू एंड, क्योंकि गुड्स कैरियर वाला किसका है, बायर का। चलिए आगे, व्हेन पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर, क्या किया आपने, पार्ट डिलीवरी बायर के पास पहुंच चुकी है। द ट्रांजिट कम टू एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, वो भी कब, अगर आपने ऐसा सर्कमस्टेंस बनाया एग्रीमेंट टू शो वेव द एसआईटी, एग्रीमेंट टू शो द एसआईटी पढ़ा था ना हमने, पार्ट डिलीवरी में आपको रिमाइंडर पे है या नहीं है, लीन है, लेकिन अगर आपने दिखाया पार्ट डिलीवरी देते समय ऐसा सर्कमस्टेंस शो किया एग्रीमेंट टू वेव द लीन, तो फिर आपको पार्ट में एसआईटी है क्या, पार्ट पे लीन है क्या, नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको पार्ट पे एसआईटी है क्या, नहीं है। कब नहीं है, अगर आपने ऐसा शो किया, क्या किया आपने, शो किया कि आपको वेव किया, क्या वेव किया आपने, एसआईटी। चलिए आगे, When goods are delivered to ship chartered by the buyer, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले को बायर ने हायर किया, वैसे शिप वाले को भी क्या कर लिया, बायर ने चार्टर, मतलब एक तरह से वो बायर की शिप है, तो शिप का आदमी किसकी सुनेगा, बायर की। तो उस समय भी अगर when the ship are chartered by the buyer, SIT क्या हो जाता है, ठीक है। तो कब कब एंड हो जाता है, पहला बायर या उसके एजेंट ने डिलीवरी ऑप्टेन कर ली, दूसरा when buyer obtains the delivery of goods at the destination earlier than appointed, तीसरा हमने क्या देखा, कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेज करते किसको, बायर को या उसके एजेंट को, होल्ड गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड इन द शिप अनलेस सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। फिर हमने क्या देखा, कैरियर वाले ने किसको देने से मना कर दिया, गुड्स बायर को, रॉन्गफुली कैरियर वाले ने रिफ्यूज कर दिया बायर को गुड्स देने से, एसआईटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हमने क्या देखा, शिप किसने है, वो कैरियर वाला किसने हायर किया है, एसआईटी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। पार्ट डिलीवरी में आपने देते समय ये शो किया एग्रीमेंट टू वेव द एसआईटी, एसआईटी क्या हो जाता है, रिमाइंडर पे भी एंड। शिप किसने चार्टर्ड, किसकी है वो शिप, चार्टर्ड बाय द वायर, एसआईटी एंड। कब एसआईटी एंड नहीं होता, बायर ने डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया, कब नहीं होता एसआईटी एंड, हाँ। और भले अब सेलर भी मना कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआईटी स्टिल है, SIT still है। तो बाकी पॉइंट आपने देखा, जहां SIT एंड हो रहा है, मैं एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, जब SIT एंड नहीं होता, कब, जब बायर ने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, बायर ने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो SIT एंड नहीं होता, SIT does not comes to end, end। क्लियर हुआ, ओके, कोई डाउट इसमें, इसमें वो पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैंने आपको बोला अगर बायर रिक्वेस्ट करता है फॉर फर्दर डिलीवरी, एसआईटी कम्स टू एन एंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बायर ने फर्दर डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ, चलिए अब देखिए ये पॉइंट है 52। पहला आपने क्या पढ़ा, अनपेड सेलर किस, सॉरी एसआईटी किसको कब यूज कर सकते हैं 50 में, फिर 50 में क्या बोला आपने, ड्यूरेशन ऑफ एसआईटी, ड्यूरेशन ऑफ एसआईटी। अब 52 में है, आप ट्रांजिट कैसे इफेक्ट करोगे, कैसे करोगे बेटा, कैरियर वालों को इन्फॉर्म करके, अगर आपके डायरेक्टली वो कॉन्टेक्ट में, हमारा सन्नीपा जी, लेकिन अगर सन्नीपा जी आपके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है तो आपके हाथों हाथ इतने जल्दी आप किसको इन्फॉर्म करो, प्रिंसिपल को, ट्रांसपोर्टर वाले मालक को, और उतना टाइम ट्रांसपोर्टर वाले मालक को दो कि वो अपने कैरियर ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दे, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, अनपेड सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन इन ट्रांजिट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, कैसा यूज कर सकता है वो, कैसे, एक्चुअल पोजीशन ले लेगा किस चीज की, गुड्स की, और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू कैरियर, नोटिस देगा किसको, कैरियर या अदर बेली इन हूज पोजीशन ऑफ द गुड्स आर, क्योंकि वो क्लेम किस चीज का देगा, भाई बायर क्या बन चुका है, इंसॉल्वर, तो मेरा राइट है, कौन सा राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, उसी को बोलते हैं नोटिस ऑफ क्लेम, और बाय गिविंग नोटिस ऑफ क्लेम टू कैरियर और अदर बेली इन हूज पोजेशन द गुड्स आर, सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, अगर आपके पास सनीपा जी के कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप उसको ही डायरेक्ट बोलोगे कि भाई गुड्स मत दे, सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन जिसके पास वो एक्चुअल पोजेशन गुड्स की पड़ी है, या फिर किसको दोगे, नहीं तो उसके प्रिंसिपल को,
लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को नोटिस देते हो, देखो अगर आपने डायरेक्ट समीपा जी को नोटिस दी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को नोटिस देते हो तो उस नोटिस को इफेक्चुअल बनाना है, शैल बी गिवन एट सच टाइम एंड इन सच सर्कमस्टेंस दैट प्रिंसिपल बाय ही बाय द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डेलीगेंस। अगर आप प्रिंसिपल को नोटिस देते हो और उसको इफेक्चुअल बनाना है तो वो ऐसे टाइम में दो, ऐसे सर्कमस्टेंस में दो ताकि प्रिंसिपल अपना एक्सरसाइज कर ले क्या, और वो किसको कम्युनिकेट कर दे, सनी पाजी को, उसके सर्वेंट को या उसके एजेंट को, टाइम के अंदर क्या कम्युनिकेट करे, टू प्रिवेंट डिलीवरी टू द बायर। इतना टाइम तो आप दो उसके प्रिंसिपल को ताकि इतना जल्दी बताओ प्रिंसिपल, ताकि प्रिंसिपल अपने एजेंट से या सर्वेंट से कम्युनिकेट कर दे और उसको क्या बोले, टू प्रिवेंट डिलीवरी टू द। तो अगर प्रिंसिपल को नोटिस देते हो और उसको इफेक्चुअल बनाना है तो वो नोटिस टाइम में देनी पड़ेगी, किसको, प्रिंसिपल को, ताकि प्रिंसिपल किसको कम्युनिकेट कर ले, अपने सर्वेंट को या उसके एजेंट को, और वो बायर को डिलीवरी देने से रोक दे उसको। क्लियर हुआ? चलिए, नोटिस, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन, दूसरा पॉइंट देखिए 52 क्या बोल रहा है, व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर। नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किसको दिया आपने, सेलर ने किसको दिया, कैरियर और अदर बेली, किसके पोजेशन में गुड्स पड़े थे, नोटिस किसको दिया सेलर ने, हाँ क्योंकि उनके पोजेशन में गुड्स था, तो क्या बोलेगा वो, एक तो री डिलीवर द गुड्स, सेलर क्या बोलेगा, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेलर, यार फिर जो सेलर बोल रहा है वो करना है, किसको, बेलिया कैरियर वाले को, और ये री डिलीवरी का एक्सपेंस किसको भुगतना पड़ेगा, सेलर को। क्लियर हुआ? नोटिस किसको दे रहा है, सेलर, कैरियर और अदर बेली, जिसके पोजीशन में गुड्स पड़े, तो उसको क्या बोलेगा सेलर, या तो मुझे वापस दे, या जो सेलर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेलर, जो सेलर डायरेक्शन देगा वो करना पड़ेगा, किसको, जिसके पोजीशन में गुड्स पड़े हैं, बेली या कैरियर वाले को, और द री डिलीवरी का एक्सपेंस कौन बोन करेगा, सेलर। तो ऐसा आप इफेक्टिव यूज करो, एक तो एक्चुअल पोजीशन ले लोगे, या भी है ना, आप हाथों हाथ गुड्स की क्या ले लोगे, पोजीशन ले लोगे, या आप नोटिस दोगे किसका, कि आपके पास क्या है, क्लेम है, बाय गिविंग नोटिस ऑफ क्लेम किसको दोगे, कैरियर और अदर बेली, जिसके गुड्स पोजेशन में पड़े हैं। नोटिस आप एक तो उस पर्सन को दे सकते हो जिसके पास वो गुड्स है, मतलब ड्राइवर है ना, या फिर प्रिंसिपल को, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को नोटिस देते हो तो इसको इफेक्चुअल बनाने के लिए इतने टाइम के अंदर दो ताकि वो प्रिंसिपल भी वापस कम्युनिकेट कर दे, किसको, उसके एजेंट या सर्वर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट। 51 में क्या बताया जा रहा है, एसआईटी का मतलब क्या, 51 में बताया जा रहा है एसआईटी कब है और कब नहीं है, कब नहीं है, सिर्फ एक तो वो है ना, बायर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, एसआईटी डज नॉट कम्स टू एंड एंड, इवन थो द सेलर रिफ्यूज टू टेक द बैक, इवन थो द सेलर रिफ्यूज टू टेक देम बैक, इधर है देखो वो पॉइंट, इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड कैरियर एंड अदर बेली कंटिन्यू इन पोजिशन ऑफ देम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एंड, इवन इफ द सेलर रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, और जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ऑप्टेन नहीं कर लेता तब तक एसआईटी एंड नहीं होता, एक तो इसमें, और कब, जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ऑप्टेन नहीं कर लेता एसआईटी एंड नहीं होता, और बाकी पॉइंट्स में हमने देख लिया कब कब एंड होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? लीन और एसआईटी में फर्क क्या है, लीन में आपके पास पोजीशन पड़ी है आप रिटेन करते हो, अपने पास से रखते हो, और एसआईटी में आप क्या करते हो, रीगेन करते हो, लीन खत्म एसआईटी चालू, समझ में आया? चलो, तो ये डिस्टिंग्विश क्या करने का, कुछ नहीं, रटाक मारने का, सब सेल और प्लेज बाय द बायर, ये हमारा सेलर है, ये हमारा बायर है, बायर ने गुड्स क्या कर दिया, इसको सब सेल मतलब किसी सेकंड बायर को बेच दिया, दूसरे नए बायर को बेच दिया, या किसी के पास प्लेज कर दिया, क्या कर दिया, प्लेज। हाँ, अगर वो ये दोनों चीजें विद द असेंट ऑफ सेलर कर रहा है तब तो एसआईटी एंड, एसआईटी एंड, लेकिन अगर सेलर की असेंट उसमें नहीं है तो एसआईटी अभी तक एंड नहीं होगा। इफ सब सेल और प्लेज डन विद द असेंट ऑफ सेलर, इफ सब सेल और प्लेस डन विद द असेंट ऑफ
सबसेल्ड और प्लेज डन विद द असेंट ऑफ सेलर, एस आई टी कम्स टू एन एंड. लेकिन अगर उसमें सेलर की असेंट नहीं है तो एस आई टी एंड नहीं होता. द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज बीन असेंटेड, तो अफेक्ट नहीं हो रहा. कौन सा राइट? एस आई टी वाला है ना. क्यों अफेक्ट नहीं हो रहा लीन? लीन एस आई टी क्यों अफेक्ट नहीं हो रहा? क्योंकि सेलर की असेंट नहीं है. लेकिन अगर सेलर की असेंट है तो लीन और एस आई टी खत्म, लीन और एस आई टी खत्म. क्लियर हुआ? और ये दो एक्सेप्शन है. देखो अनपेड सेलर के कौन से राइट है? लीन और एस आई टी, मतलब हार गए. भले आप अनपेड हो लेकिन आपको लीन और एस आई टी नहीं है, मतलब हार गए वो राइट. कब? सेलर हैज असेंटेड, अभी बताया था मैंने. सेलर असेंटेड किस चीज के लिए? मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स मेड बाय द बायर. मतलब या तो सेलर ने क्या कर दिया, बायर ने गुड्स को मॉर्गेज कर दिया है प्लेज, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करते हैं, या फिर किसी और को बेच दिया है. और किसकी असेंट लिया था बायर ने? सेलर की. तो एस आई टी और लीन क्या हो चुका है? डिफीट हो चुका है. क्या हो चुका है? डिफीट. अगला देखिए, व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स किसको ट्रांसफर हो चुके हैं, एंड बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू द पर्सन हु हैज ब्रॉट गुड्स इन गुड फेथ. मतलब देखिए, ए ने बी को दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और बी ने किसको दिया? सी को. और उस सी ने कैसे ऑब्टेन की वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? इन गुड फेथ एंड फॉर द प्राइस एंड फॉर वैल्यू दैट इज फॉर द प्राइस. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, ये चीज जो आपने बायर को दी, ये जो ऊपर ट्रांसफर आपने जो किया कैसे है वो? एज अ सेल. तो लीन और एस आई टी क्या हो जाएगा? डिफिट. लीन और एस आई टी क्या हो जाएगा? डिफिट. मतलब इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको दे दिया? ए ने बी को, और बी ने किसको दे दिया गुड फेथ में एंड वैल्यू फॉर द प्राइस? सी को. तो लास्ट मेंशन जो ये सी के पास गया है, अगर वो एज अ सेल गया है तो एस आई टी और लीन क्या हो गया? डिफिट. अगर वो एज अ प्लेज गया है, कैसे गया है? हाँ, इफ लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय ऑफ प्लेज, अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज हो सकते हैं सब्जेक्ट टू राइट ऑफ प्लेजी. मतलब सी के राइट होंगे क्या? नहीं. प्लेज किया है गुड्स, किसने प्लेज किया है सी के पास? बी ने. किसने प्लेज किया है? बी ने. तो प्लेजी को अधिकार है. प्लेजी क्या बोलेगा ए को? देख भाई सिंपल बात है, तेरे गुड्स है ना, तू लेके जा. ए को बोल रहा है. कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है. देख जो बी ने मेरे से पैसा उधार लिया था एज अ प्लेज गुड्स को गिरवी रख के, वो मुझे दे दे, बाकी तू गुड्स लेके जा. तो अगर देखिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास था? बायर के पास. बायर ने किसको दिया? दूसरे बायर को दिया इन गुड फेथ ऑन फॉर वैल्यू, इन गुड फेथ फॉर एंड वैल्यू. हाँ, तो अगर ये एज अ सेल है तो लीन और एस आई टी डिफिट, और ये एज अ प्लेज है तो लीन और एस आई टी एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट को किसके राइट? प्लेजी के. सब्जेक्ट को किसके राइट? प्लेजी के. चलिए क्लियर. देखिए आपने अपना राइट यूज किया, जो भी राइट आपने यूज किया जैसे कि एस आई टी, तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया है? नहीं. सिंपल है, आप बोल रहे हो मुझे पैसा दे दो गुड्स लेके जा, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर रहे. लिखा है देखो, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन फोर्स एंड बायर कैन आस्क फॉर द डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस. बायर डिलीवरी ले सकता है पैसा देके. इसका मतलब है जब आपने एस आई टी यूज किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं किया है, सिर्फ बायर पैसा देगा और गुड्स की डिलीवरी ले जा सकता है. क्लियर हुआ? देखिए 51 में क्या क्वेश्चन पूछ रहे, सबसे पहले एस आई टी क्या, फिर 51 सेक्शन क्या बोलता है ड्यूरेशन ऑफ एस आई टी, और 52 बोलता है आप एस आई टी कैसे यूज करते हो, है ना. और यूज करते समय जो खर्चा पानी हो रहा है री डिलीवरी का, कौन बोन करेगा? सेलर. कौन बोन करेगा? सेलर. ठीक है. नाउ अगला राइट आता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, चलो लीन तो एक्सरसाइज कर लिया हमने, और कौन सा राइट एक्सरसाइज कर लिया? एस आई टी. और गुड्स को क्या पूजा करे रखे? नहीं. आपको कौन सा राइट चाहिए? और एक रीसेल. किसमें? वो 54. तो देखिए
द राइट ऑफ रीसेल इज मोस्ट वैल्यूएबल राइट है. राइट ऑफ रीसेल क्या है, किसको दिया हुआ है? इन एब्सेंस ऑफ दिस राइट, इन द एब्सेंस ऑफ द सेलर्स अदर राइट, जैसे कि सेलर के अदर राइट अगेंस्ट गुड कौन से है, लीन और एसआईटी, वुड नॉट हैव बीन ऑफ मच यूज, वुड नॉट हैव बीन मच ऑफ यूज. अगर आप सेलर को कौन सा राइट नहीं देते, रीसेल का, तो ये बाकी जो दो राइट है गुड्स के अगेंस्ट कौन सा लीन और एसआईटी, वुड नॉट हैव बीन मच ऑफ यूज बिकॉज दिस राइट ओनली एंटाइटल अनपेड सेलर, क्योंकि ये राइट सिर्फ आपको क्या अधिकार देता, गुड्स को रखने का और गुड्स को देखने का, बेचने का अधिकार नहीं देता. दिखाए देखो, ओनली द अनपेड सेलर टू रिटेन द गुड्स अंटिल पेड बाय द बायर. और कब आवे, बायर पैसा देगा, बायर पैसा देगा, आप यही सोचते बैठो फिर, है ना. और पेरिशेबल गुड्स है, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर बायर क्या बोलेगा, भाई सड़े हुए के लिए पैसा थोड़ी दूंगा मैं, ठीक है. तो इसके लिए आपने लीन एसआईटी एक्सरसाइज किया, बहुत अच्छी बात है. तो साथ में आपको एक अच्छा राइट देना जरूरी था, मोस्ट वैल्यूएबल राइट, जो कि क्या है वो, रीसेल. इसके बिना ये दोनों राइट का कोई व्यर्थ मतलब अर्थ नहीं था, व्यर्थ हो जाते. कौन से राइट, लीन और एसआईटी. क्लियर हुआ, कोई डाउट? द अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर फॉलोइंग कंडीशन. कब अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ रीसेल यूज कर सकता है? गुड्स कौन से टाइप के हैं, पेरिशेबल नेचर के. व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, गुड्स कैसे हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, द बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल. बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्या कि किस चीज की जरूरत नहीं है, कि मैं गुड्स को रीसेल कर रहा हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है. किसको नहीं है बेटा, बायर को. अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के है, चुपचाप बेच दो, वो भी ओएलएक्स पे नहीं. ओएलएक्स पे बेचोगे तो भी 2-3-4 दिन लगेंगे, पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएंगे, ठीक है. हाँ, तो बेच दो या फिर कुछ और देख लो. अगर गुड्स कौन से है, कंज्यूम पेरिशेबल है, तो बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्या? बाकी केस में आप बायर को इन्फॉर्म करो तो बस अच्छी बात है, करना जरूरी नहीं है. करोगे तो बस फायदे क्या है, देखो अगर आप बायर को इन्फॉर्म करते हो और बायर ने फिर भी पैसा नहीं दिया, तो आप गुड्स को रीसेल कर सकते हो, और बिना बायर को पूछे भी आप रीसेल कर सकते हो. लेकिन देखिए, रीसेल पे एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. रीसेल पे क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस. Without informing buyer, आपने resell किया without informing buyer, profit किसका, buyer का, loss किसका, seller का. और यही चीज में अगर इधर मैं लिख दू, after informing buyer, after informing buyer, profit किसका, seller का, loss किसका, बायर का, लॉस किसका, इन्फॉर्म करके बेचा तो प्रॉफिट किसका, इन्फॉर्म करके बेचा तो प्रॉफिट किसका, जल्दी बोलो. इन्फॉर्म करने के बाद बेचा तो प्रॉफिट सेलर का, और लॉस बिना इन्फॉर्म के बेचा तो प्रॉफिट बायर का, लॉस सेलर का. मतलब क्या होता है, आप चीज बेचने वाले थे 15 रुपए में, किसको, बायर को, बायर ने पैसा नहीं दिया, तो आप अनपेड सेलर हो और आपने एसआईटी यूज कर लिया या लीन जो भी यूज किया. अब आपने एक तो मार्केट में बायर को इन्फॉर्म करके 12 में बेचना पड़ा, क्योंकि उसकी रेट उस समय क्या चल रही थी, 12. तो ये 3 रुपए आप बायर से वसूल कर सकते हो. और सपोज रेट ज्यादा थी, 18 रुपए में बेचा इन्फॉर्म करने के बाद, तो ये 3 रुपए आपके पास से. तो देखो, इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, नोटिस दोगे तो अच्छा है, देना जरूरी नहीं है लेकिन दोगे तो अच्छा है. तो आगे देखिए, इफ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ, व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स. किसने नोटिस दे दी, ही मतलब कौन, सेलर. किसने, किसको नोटिस दी सेलर ने, बायर को, किस चीज के बारे में, इंटेंशन ऑफ रीसेल द गुड्स.
आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल्स विद इन रीजनेबल टाइम। नोटिस मिलने के बाद भी बायर क्या हो गया, फेल हो गया रीजनेबल टाइम में, क्या देने से, पैसा देने से, है ना। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस बायर फेल्स विद इन रीजनेबल टाइम टू पे और टेंडर द प्राइस, टू पे और टेंडर द प्राइस, द सेलर में रिसेल द गुड्स, द सेलर क्या कर सकता है। हाँ, इट मे बी नोटेड दैट इन सच केस ऑन द रिसेल ऑफ द गुड्स, कौन से केस में, अगर आपने नोटिस दी है, अगर आपने इंटेंशन बता दिया किसको, बायर को, किस चीज के बारे में, रीसेल के बारे में, तो सेलर को क्या मिलेगा, एक तो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज अ डैमेजेस, मतलब नुकसान हुआ तो किसका, नोटिस देने के बाद बायर का, खुशबू नुकसान किसका, रिकवर कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। हाँ, और प्रॉफिट हुआ तो कौन रखेगा, सेलर रखेगा। क्लियर हुआ। तो अगर आपने नोटिस दे दी, इंटेंशन बता दिया रीसेल का सेलर को, बायर को, और बायर उसके बाद भी पैसा नहीं दे पाया, तो सेलर क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है। तो इस चीज में आप, एक तो अगर नुकसान हो रहा है रीसेल पे, तो वो रिकवर कर सकते हो किससे, बायर से, एज अ डैमेजेस। और रीसेल में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कौन रखेगा, बायर रख लेगा। ये है नोटिस देने के फायदे। क्लियर हुआ। चलिए, एंड रिटेन द प्रॉफिट इफ द रीसेल प्राइस इज हायर। देखो, जो मैंने अभी आपको ये इधर ऊपर एक्सप्लेन किया, ये सब कुछ इसमें लिखा है, रीड कर दो। चलिए, क्या नोटिस देनी जरूरी है, दिया तो अच्छा है, नोटिस देनी जरूरी नहीं। भले आप नोटिस दी तो ठीक है, ना दी तो ठीक है, सबसिक्वेंट बायर मतलब नया बायर को टाइटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। लिखा है देखो, व्हेन अनपेड सेलर हु एक्सरसाइजेस राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। अनपेड सेलर ने क्या यूज किया है, अपना राइट ऑफ लीन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और वो क्या करता है गुड्स को, रीसेल। तो सबसिक्वेंट बायर एक्वायर गुड टाइटल्स देयर ऑन, सबसिक्वेंट बायर को क्या मिल जाता है, गुड टाइटल देयर ऑन एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। सबसिक्वेंट बायर को क्या बन जाता है, नए बायर को क्या मिल जाता है, भले ही ओरिजिनल बायर को बेचा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइट द फैक्ट द नोटिस ऑफ रीसेल हैज नॉट बीन गिवन बाय द सेलर टू ओरिजिनल बायर, नोटिस नहीं दी, किसकी नोटिस नहीं दी, ओरिजिनल बायर को, रीसेल की, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बायर, न्यू बायर को टाइटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। न्यू बायर को टाइटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। चलिए, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अगला पॉइंट क्या देखिए, आपने एक्सप्रेसली रिजर्व कर लिया था, तूने पैसा नहीं दिया ना बायर, तूने डिफॉल्ट किया ना पैसा देने से, तो मैं गुड्स को क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, गुड्स को क्या करूंगा, बेच दूंगा। किसको नोटिस पहले दे दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व कर लिया कि मैं रीसेल कर दूंगा, किसको, तूने अगर डिफॉल्ट किया तो। तो उस केस में अगर ऑलरेडी आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली अपना ये राइट रिजर्व कर लिया है, तो उसके बाद आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो बायर का, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं। इन्फॉर्म करते हो, आपकी इच्छा नहीं भी करते हो तो भी प्रॉफिट किसको मिलेगा उस केस में, सेलर को, और लॉस किसको भुगतना पड़ेगा, बायर। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा, नोटिस दिया तो प्रॉफिट सेलर का, नोटिस नहीं दिया तो प्रॉफिट बायर का। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही एक्सप्रेस कर लिया है, क्या एक्सप्रेसली रिजर्व कर लिया है, राइट ऑफ रीसेल, तब आपको नोटिस देने की कोई आवश्यकता वापस नहीं है, और प्रॉफिट होगा तो किसका, सेलर का, और लॉस होगा तो किसका, बायर का। क्लियर हुआ। समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन हुम एंड हुम, सेलर एंड बायर, दैट इन केस बायर मेक्स डिफॉल्ट, बायर ने किस चीज का डिफॉल्ट किया, इन पेमेंट ऑफ प्राइस, द सेलर विल रीसेल द गुड्स, सेलर किसको बेच देगा गुड्स, इन सच केस सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व्ड हिज राइट ऑफ एंड ही मे रीसेल द गुड्स ऑन बायर्स डिफॉल्ट। It may be noted that in such case the seller is not required to give the notice of resale. तो इस केस में सेलर को क्या देने की जरूरत नहीं है, हाँ, he is entitled to recover damages from even if no notice of resale is given. Clear हुआ? तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, रीसेल में, पहले तो रीसेल का राइट, इंपॉर्टेंट राइट है, ये पढ़ा हमने वो पैरा में, क्योंकि बाकी अगर रीसेल में राइट नहीं होता तो बाकी राइट का कोई मतलब नहीं होता। फिर हमने पहला क्या पढ़ा, व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्या, नहीं। फिर क्या देखा हमने,
इफ सेलर गिव्स नोटिस ऑफ इज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, किसको नोटिस दी उसने, फिर क्या होता है वो आपने देख लिया। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, व्हेन अनपेड सेलर ने क्या एक्सरसाइज किया था गुड्स पे, लीन या एसआईपी, वो क्या कर देते हैं गुड्स को, रीसेल। तो सब्सिक्वेंट बायर को टाइटल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, सेलर ने क्या कर लिया है, रीसेल, है ना, रीसेल बाय द सेलर वेयर एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, रीसेल बाय द सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट है वेयर द प्रॉपर्टी गुड्स हैज नॉट पास टू बायर, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई किसको, बायर को। द अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज राइट, जो राइट क्या है सेलर के पास, लीन और एसआईटी, और एक राइट आ गया राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी, कब, अगर प्रॉपर्टी पास हुई नहीं, डिलीवरी देगा ही नहीं जब तक वो पैसा नहीं देता, कब, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, और इसको सिमिलर टू लीन है ये, इसके लिए इसको बोलते हैं क्लेजिल। विथहोल्ड करना मतलब कब्जा करना, ये एक तरह से, तो ये भी एक तरह से क्या है, लीन है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, विथहोल्डिंग को क्वेजिल लीन। तो इन एडिशन है, एडिशन मतलब ऑलरेडी आपके पास एसआईटी और लीन है, उसके अलावा क्या मिल रहा है आपको, राइट ऑफ विथहोल्डिंग, कब, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है, प्रॉपर्टी पास, क्लियर हुए हो, यस। तो ये हो गया आपके 45 से अनपेड सेलर, 46 राइट ऑफ से अनपेड सेलर, 47 राइट ऑफ लीन, है ना, 47 से लेके 54 तक किसके गुड्स राइट से, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, उसमें है लीन। 47 में 1 और 2 है, 2 में क्या है, सेलर एज अ बेली और एजेंट है, गुड्स किसके पास पड़े है, सेलर के पास एज अ एजेंट और बेली, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या है, लीन चालू रहेगा अगर आप अनपेड हो तो। फिर 48 है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, 49 है सबसेक्शन 1 टर्मिनेशन ऑफ लीन, और 2 है कि डिग्री मिलने से आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो राइट लूज नहीं करते हो। फिर 50 आपने देखा व्हाट इज एसआईटी, कब एसआईटी यूज कर, मतलब एसआईटी होता कब है, कब एक्सरसाइज होता है, फिर आपने देखा एसआईटी कब तक है और कब नहीं है 51 में, और एसआईटी कैसे आप यूज करोगे। 53 में आपने देखा सब सेल और प्लेज बाय बायर एसआईटी है या नहीं है, है ना, उसके अंदर दो चीजें देखी, कब एसआईटी और लीन डिफीट होता है ना, और कब डिफीट नहीं होता, उसमें हमने क्या देखा, मॉर्गेज या सेल हुआ है तो एसआईटी और लीन डिफीट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको जा चुका है, नए बायर को वैल्यू एंड प्राइस के लिए, है ना, तो अगर वो एज अ सेल है तो एसआईटी और लीन डिफीट हो गया, एज अ प्लेज है तो एसआईटी और लीन है लेकिन सब्जेक्ट टू किसके राइट, प्लेजी के राइट, और 54 में आपने देखा राइट ऑफ रीसेल, है ना, तो ये हो गया राइट अगेंस्ट गुड्स किसके, अनपेड सेलर के। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर।